ना कितने खाओगे तुम? खा लेंगे दो तीन। दो तीन भाई खा लोगे भाई? कोशिश करें। हम लोग क्या खिलाओ जो बढ़िया? सर वैरायटीज तो नहीं, एक ही सैंडविच बनाते हैं हम लोग। एक ही सैंडविच? कौन सा सैंडविच? मधुरम जम्बो के नाम से रहता है, तंदूरी पनीर भी चीज होता है। अच्छा, वैसे क्या क्या डाला है बताओ? तीन लेयर होती है ब्रेड, तीन लेयर तो ब्रेड की है, वो तो दिख रहा है। तो हेमलो जी, की हाल चाल, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपने एक और वीडियो देखा होगा, सबसे पहले हम लोग इंदौर का, मैं अगर आपको सीरीज बता दूं, सबसे पहले हमने सराफा मार्केट एक्सप्लोर किया, उसके बाद फिर हमने पिज्जा जोन अनलिमिटेड बुफे खाया। अभी हम लोग जाने वाले हैं कि ये जहाँ पे ना मार्केट लगता है, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, वहाँ पे जाने हम रिव्यू नहीं करेंगे, वहाँ पे पहुँच के जाके दिखाएंगे आप। हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, हमारे फ्रेंड्स लोग जो चेतन लोग थे वो सब थे, वो सब ने ये रिकमेंड किया है, वहाँ पे भी चल गए, वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो जगह है नहीं खाने का, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ही टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, खुद के लिए भी टेस्ट करने के लिए, आप लोग भी टेस्ट बताने के लिए कि आप लोग भी आओ तो वो चीज़ टेस्ट करो, वो चीज़ भी दिखाएंगे आपको। तो आइए चलते हैं। हमारी सवारी मिल गई, सवारी हम लोग की हायाबुसा। हायाबुसा हमारी, ये हमारी हायाबुसा इंदौर की। हाँ भाई, बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं है गाइस, ये कैमरा फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा कैमरा में शर्माता है। लाइक शेयर करते रहे तो हम बहुत जल्दी कैमरा फ्रेंडली भी होंगे। देखो अभी से सफाई स्टार्ट हो गया इंदौर में, एक भी कचरा नहीं दिखना चाहिए रोड पे, ये है सफाई इंदौर का, इसलिए गाइस ये क्लीनेस्ट सिटी है। रोड पे तो सच में रोड पे एक और भी कचरा नहीं है यार, एक भी पॉलिथीन नहीं, एक भी वो नहीं, कुछ नहीं है। मौसम की बात करो ना, यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा कितने फील आ रहा है ना, भोपाल में भी ऐसा ही होता है कि रात में ना मौसम ठंडा हो जाता है बिल्कुल, हवा चल रहा है ना, मेन गर्मी ही लग रहा है, पता है गर्मी तो थोड़ा भी नहीं लग रहा है हम लोग, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब दोपहर में गर्मी था, रूम में गर्मी लग रहा था, शाम में बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। अब तो यूट्यूब पे भी आ जाओगे बहुत जल्द, बहुत जल्द अगर मेरी यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द हम आएंगे। कांच मंदिर है और ये हम लोग सैंडविच देख लो, इतना भीड़ लगता है इसके पास, तभी इतने सारे चेयर्स लगे हुए हैं। तो सैंडविच भी हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि देख लो भीड़ अभी नहीं है, बट इस चेयर्स जितने लगे हुए ना उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना भीड़ हो सकता है यहाँ पे। तो ये देख लो, ये लोग भी आ गए, ये लोग हमारे पीछे पीछे आ गए। तो लिमडा कितने खाओगे तुम? खा लेंगे दो तीन। दो तीन भाई खा लोगे भाई? कोशिश करें। लिमडा खा सकता है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, नीचे से ऊपर खा सकता है लिमडा, खा सकता है तीन भाई। सब जा रहे हैं ऑर्डर देने, ये देखो सैंडविच की दुकान है, पिज्जा भी मिलता है, मधुरम सैंडविच, कोल्ड कॉफी, मधुरम सैंडविच, मधुरम सैंडविच, सैंडविच पिज्जा कोल्ड कॉफी सब मिलता है। गाइस फॉलो करो, स्पैम कर दो मधुरम शर्मा इंस्टाग्राम पे, इसी रीजन से वो भी ब्लॉग हो गई। अब देखते हैं भैया कैसे बना रहे हैं। तो भैया, तो भैया हम लोग क्या खिलाओ जो बढ़िया? सर वैरायटीज तो नहीं, एक ही सैंडविच बनाते हैं हम लोग। एक ही सैंडविच? कौन सा सैंडविच? मधुरम जम्बो के नाम से रहता है, तंदूरी पनीर भी चीज होता है। अच्छा, कैसे बनाते हो आप? सर प्यार से बनाते हैं, सर प्यार से बनाते हैं। अच्छा, ये ब्रेड तो थ्री लेयर में होता है, सर थ्री लेयर में होता है, वेजिटेबल पनीर चीज मेयोनीज वगैरह होता है, मसाले होते हैं। चलो भाई, क्वांटिटी कितना बड़ा होता है? लगभग दो लोग शेयर कर सकते हैं, दो लोगों शेयर, दो के बराबर एक। प्राइस क्या है? 150 रुपीज़ का। ये देख सकते हो, ये फ्रेश ब्रेड रखा हुआ है, ये ब्रेड का साइज ये आने वाला है, ये देखो गाइस ये, और इसी में लगेगा तीन लेयर लगने वाला है। भैया बोल रहे हैं गाइस, तो भैया लगा दो तीन। तीन सर? हाँ तीन मेंबर है, पांच छह लोग। हाँ तीन, पांच लोग हैं ना, अपन छह लोग हैं, तीन। हाँ तीन में तो हो जाएगा आराम से। ठीक है भैया, लगा सर। आप लोग? हम लोग दिल्ली से। चलो नमस्ते भैया, अपना नंबर टोकन मिलता है यहाँ पे, कौन सा नंबर है अपना? नंबर है 99 और 100 101। जल्दी आ जाएगा बोल रहे हो, जल्दी आ जाएगा। जो भी हो, तुम कितना खाओगे ये बताओ पहले। लिमडा में तीन ही मंगवाया है, देखो हम लोग का पेट भरा हुआ है, हमने तीन ही मंगवाया है, साइज के ऊपर है, बड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। कितना पड़ा है? छह ही लोग है भाई। तो दो चीज में खिलाने लाया हूँ ना आपको, हाँ तो मजा आ जाएगा। ये तो बात सही है भाई, इंदौर का अच्छा फेमस, मुझे भी एक भैया ने खिलाया था पहले फर्स्ट डे पे, हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये मैं चीज़ बहुत दिन से मिस कर रहा था, बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा टेस्ट, प्राइस भी आपको ज़्यादा ही लगेगा, दो लोग आप आराम से अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली लगाइए भाई, जैसे 150 प्राइस है ना, दो लोग खाएँ उसके हिसाब से बेस्ट है।
हाँ, यहाँ पोर्टेबल है, पकड़ फ्रेंडली है, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि दो लोग आराम से आओ, एक ऑर्डर करो 150 में, दो आदमी पेट भर खाओ। हम लोग 6 लोग हैं तो हमें 3 बड़ा सा, वो बड़ा सा प्लेट में लगा के देंगे सैंडविच, वो बहुत मतलब हेवी हो जाएगा दो आदमी के लिए। वैसे खाने के लिए तो अकेले भी खा सकते हैं लोग, जो भूखा हो, जो सुबह से कुछ नहीं खा हो, अकेले खा लेगा। देखो अब टोकन मिल गया, आता है टेस्ट करके बताएंगे आपको। तो भाई हम लोग का ऑर्डर बन चुका है 9900। भैया ने आवाज़ लगा दिया माइक से, माइक से तो ये लग रहा है बन चुका है। देखो 99। सर एक रेडी है, ना पूरा खाना ही एक आदमी, मतलब दो आदमी तो आराम से खाने। अब सही बताऊंगा इसमें, भूख मर गया है। वैसे क्या क्या डाला है बताओ? 3 लेयर होती है ब्रेड, 3 लेयर तो ब्रेड की है, वो तो दिख रहा है। ऊपर ये चीज है, अंदर पनीर नहीं रहता है, प्याज और उसमें तंदूरी मेयोनीज रखते हैं, और ये नीचे आलू का लेयर है। इंदौर पे आप कहीं भी कुछ भी अच्छे से अच्छा ज़्यादा खा रहे हो, हाँ, तो चिप्स आपको और सेव आपको कंपल्सरी ये देते हैं। ये सेव जो ऊपर डला हुआ है, हाँ, ये मोटा वाला, हाँ, और ये चिप्स, ये कंपल्सरी देते हैं इंदौर में, इंदौर का फेमस है ये। पहले तुम्हें टेस्ट करो। अरे भाई सब लोग टेस्ट करो, बताओ कैसा है। थोड़ा थोड़ा, अरे शेयर कर, आएगा तो और लोग खाएगा ना, टेस्ट करो, खाओ। थोड़ा सा जो खाने में दिक्कत जाता है वो बड़ा रहता है ना इसका साइज। खाओ, तुम ही खाओ भाई, आराम आराम से भाई, लग रहा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। आप खाइए ना, बहुत टेस्टी है भाई। भाई बहुत टेस्टी है ये ना, धनिया की चटनी भी है इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तुम लोग तो पहले से खाते आ रहे हो, तुम लोग भी पहले से खाते आ रहे हो, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो लंबड़ा, तुम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तुम बोलो, तुम भी आयुष, तुम? मैं 2 बार खा चुका हूँ। 2 बार? चेतन तो रेगुलर है, तुम तो? मैं तो खाता रहता हूँ। तो तुम तो फर्स्ट टाइम, कैसा लगा टेस्ट तुम लोगों का? और लाजवाब है ना। तो अब क्या सोच रहा है, 3 दिन खा जाएगा तुम पक्का? और ऑर्डर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ आराम से। 150 नहीं, हाँ सही बता, सही बात। गाइस चलो अब ये आ गया, अब और दो आने ही वाला है, फिर मैं भी ट्राई करेंगे। दोनों भी आ गया भाई, एक तरह का ये खाना ही है, इसको अगर खा लोगे ना सच में कुछ नहीं खाने का मन करेगा। और ये चिप्स भी इंदौर का जो चेतन बता रहा जैसे फेमस है, और सेव जो उसके ऊपर डाल के मिलता है। तो गाइस अब इसको हम टेस्ट, और सबने रिवील कर ही दिया कि कैसा क्या है, जो भी हम बताते हैं। इसका प्राइस भी 150 रुपीज़ है, नहीं तुम लोगों ने बता दिया बहुत है वो, नहीं मैं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ट्राई, वैसे सच में नहीं खाओगे तो हम, मैं ट्राई कर लूँगा, मैं ट्राई कर लूँगा। खिलाओ इसको, भाई जो चीज़ बर्स्ट है ना इसके अंदर, और तंदूरी मेयोनीज, लाजवाब लाजवाब। मेरे सैंडविच तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब हेवी भी हो गया था, 3 सैंडविच लिए, 6 आदमी है, बहुत ज़्यादा हेवी हो गया। थैंक यू सर, इतनी दूर से आए, बहुत बड़ी बात है सर हम लोग। चलो भैया और मेरे भाई, आप भी इंदौर आना तो जरूर सैंडविच ट्राई करना। बिल्कुल भैया, क्या बोलना चाहोगे मेरी यूट्यूब फैमिली? बिल्कुल सर, बहुत आप लोगों का आशीर्वाद है, दिल्ली वालों का तो विशेष आशीर्वाद रहा हमको, बड़ी जो ब्लॉगिंग हुई ना हमारी, दिल्ली से दिल से फूटी, स्वादों की नीचे हुई सर। चलो हमेशा दिल्ली का तो रहा ही है साथ से। चलो भैया ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, और जरूर भैया इंदौर में आना, आप लोग जरूर ट्राई करना इनका, इसी दुकान है मधुरम सैंडविच, बिल्कुल आइएगा सर। थैंक यू भैया, वेलकम, मिलते हैं कभी, इंदौर आना होगा। तो गाइस भैया से बात होगी, भैया भी बहुत ज़्यादा खुश हुए बात करके, बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉग बना था ना वो वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, तो वायरल हुआ था तो इनका दुकान बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो गया था, बोल रहे इसके वजह से मेरा दुकान और ज्यादा हाईलाइट हो। जो भी इंदौर आना जरूर सपोर्ट कर दो, हाँ भाई, भी आके सपोर्ट कर देना, सपोर्ट करना। और देखते हैं, अभी तो पेट भर चुका है और रात भी हो चुकी है, हो सकता है तो कहीं जाए, नहीं तो डायरेक्ट चलेंगे रूम पे जाके यही वीडियो करेंगे एंड।